हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को न्यूटन के तृतीय गति के नियम बताऊंगा। इससे पीछे के वीडियोस में मैंने आप लोगों को न्यूटन के प्रथम गति के नियम, न्यूटन के दूसरे गति के नियम बता दिया हूँ। और न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से जो हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, उस सब के भी बारे में बता देता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में आपके न्यूटन के तृतीय गति के नियम बताऊंगा। आप सब बस वीडियोस को अंत तक वॉच करें, इसके बाद न्यूटन के तृतीय गति के नियम से आपसे नहीं छूटेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। और न्यूटन गति के नियम के कुछ उदाहरण भी इसमें मैं बताऊंगा कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के तृतीय गति का नियम क्या है, उसके अनुसार देखिए क्या होता है कि न्यूटन के क्वेश्चंस में परीक्षा में पूछता है ना, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच की क्रिया में पहली वस्तु जो है द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, पहली वस्तु दूसरी पर बल लगाता है और दूसरी वस्तु जो है पहली पर बल लगाता है। ये जो बल लगते हैं वो दोनों बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लें, अगर आप दीवार को धक्का देते हैं, हाँ मुक्का से मारते हैं, तो दीवार भी आपको मुक्का से वो भी मारता है, जिसके चलते आपको चोट महसूस होती है। अगर आप गेंद बॉल में मारते हैं तो गेंद जो है कुछ देर के बाद बॉल फिर रिटर्न हमारे पास आ जाता है, यानी कि इससे पता चलता है कि दीवार भी उस बॉल पे बल लगाया है। और यही जो बल एक दूसरे के विपरीत लगता है, इसी बल को क्या कहते हैं, न्यूटन के तृतीय गति का नियम कहते हैं। अब न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कुछ उदाहरण हैं जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, है ना। देखिए पहला है, देखिए कोई भी वस्तु जो है मेज पर रखी गई, किताब जो है लिखा मेज पर पड़ी किताब, तो मेज पर कोई भी किताब जो पड़ा है, यानी कि मेज जो है किताब पर बल लगा रहा है और बल किताब जो है मेज पर बल लगा रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन के तृतीय गति का नियम पालन होता है। आदमी का जमीन पर टहलना, आदमी का जमीन पर टहलना, आदमी जो जमीन पर टहल रहा है वो भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण। ठीक है, आइए अगला पॉइंट। तैरना या नाव खेना, तैरते हैं हम लोग नाव नहर में, ये भी जो है न्यूटन के तृतीय गति का उदाहरण है। फिर है कुएं में जल का खींचना, न्यूटन के तृतीय गति के नियम पालन होता है। बंदूक का प्रतिच्छेद, बंदूक का प्रतिच्छेद, इसमें भी न्यूटन के तृतीय गति का नियम पालन होता है। जब हम गोली छोड़ते हैं तो गोली तो आगे जाती है लेकिन बंदूक जो है पीछे की उठा कर देती है ना। आगे है रॉकेट की गति, रॉकेट के पीछे से धुआं ईंधन निकलते हैं और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, इसमें भी न्यूटन के तृतीय गति का नियम पालन होता है। और आगे है घोड़े के गाड़ी का खींचना, घोड़ा जो है गाड़ी का खींचता है, वो पीछे की ओर उसके पैर से बल लगाता है तो गाड़ी आगे की ओर जाता है, इसमें भी न्यूटन के तृतीय गति का नियम पालन होता है। आगे क्वेश्चन बनता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे पूछता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो इसका डिफिनीशन हम इस तरह से लिखेंगे कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत से बताया गया है कि कोई भी संवेग को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 3 फिजिक्स कक्षा 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के बारे में मैं जो आपको बताया, उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका मैंने वीडियोज़ बना दिया, जो आपको क्लास 9th के साथ साथ जब आगे आके क्लासों में जाएंगे क्लास 11 उसमें भी काम करेंगे। साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो फार्मूला है और जो ऐसा यूनिट्स हैं, वो डायरेक्ट कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। अंत में जाते जाते मैं आप सबसे कहने के चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।